आज बात करेंगे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, जो भी आप क्लोथ्स पहनते हैं यानी कि जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो वो फैब्रिक्स के बने होते हैं। अब जो फैब्रिक है ये हमारी दो तरह से बनती है, एक तो नेचुरल तरीके से बनती है, नेचुरल तरीके से हमें मिलती है, और दूसरा ये आर्टिफिशियल तरीके से बनती है। तो दोनों ही तरीके हैं इसको बनाने के, जो ये फैब्रिक होती है। तो दोनों ही सोर्स हैं हमारे पास, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल सोर्स है, किसी से भी हम इसको ले सकते हैं। अब ये फाइबर है तो ये लार्ज वैरायटी के हाउस होल्ड जो आर्टिकल है यानी कि घरों में यूज होने वाले आर्टिकल हैं वो भी बना इनसे हम बना सकते हैं। तो इस तरह से जो फाइबर्स हैं हमारी जो डेली लाइफ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो नेचुरल फाइबर हैं, अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करें तो ये आपका होता है कॉटन। तो कॉटन आपने सुना ही होगा, इसी तरह से वूल, इसी तरह से जो सिल्क है, इस तरह की जो काफी सारी चीजें हैं नेचुरली हमें मिलती है, प्लांट्स और एनिमल से इनको मिलती है, प्लांट्स और एनिमल का यूज करते हैं इनके लिए हम है। उसके बाद जो ह्यूमन बीइंग जो है जो वो बनाते हैं, जो मैन मेड आप इनको बोल सकते हैं, तो वो अगर उसको बनाते हैं तो इनको हम बोल देते हैं सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल जो फाइबर है। तो मैन मेड फाइबर होते हैं, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। अब देखिए, आप कोई भी चीज ले लीजिए वो फाइबर की बनी होती है। मान लीजिए आप इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे हमने एक मोतियों की माला दिखाई है, यहाँ पे उसके अंदर इस तरह के बीड्स हैं। तो यहाँ पे एक छोटी छोटी चीज को बना के, इसका एग्जाम्पल है, एक एक बीड को लगाकर आप एक धागे के अंदर पिरोते हैं, एक पूरी माला बनती है। इसी तरह से यहाँ पेपर क्लिप दिखाए गए हैं, ये पेपर क्लिप है, ये आपने देखे होंगे, एक के साथ एक को लगा के इस तरह से एक पूरी चेन बना दी गई है। यही जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल जो है वो, या कहीं सिंथेटिक फाइबर जो है, इनके अंदर यूज की जाती है। इसके अंदर क्या है, जो छोटे छोटे चेन्स हैं यानी कि स्मॉल यूनिट्स हैं, जैसे इसका एक मोती हो गया या इसका एक ये पहला पार्ट हो गया, जो स्मॉल यूनिट है उनको ज्वाइन किया जाता है, इस तरह से ज्वाइन किया जाता है, और उनको ज्वाइन करके एक पूरा केमिकल सब्सटेंस तैयार किया जाता है। तो ये जो स्मॉल यूनिट, जैसे यहाँ तो हमने एक एग्जांपल लिया है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं। तो एक स्मॉल केमिकल सब्सटेंस आप यूज करते हैं, तो स्मॉल केमिकल सब्सटेंस आपने यूज किया, जैसे एक एक ये यूज किया, एक ये यूज किया, इसी तरह से एक स्मॉल केमिकल सब्सटेंस का यूज किया, और इन स्मॉल सब्सटेंस को कंबाइन करके एक लार्ज आपने चेन तैयार कर ली, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। अब जो ये पॉलीमर है ये भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, ग्रीक लेटर है। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि काफी सारे आपने यूज किए हैं। मर का मतलब होता है यूनिट, यानी काफी सारी यूनिट को यूज करके आपने एक पूरी चेन बनाई है। तो इस तरह से जो पॉलीमर बनता है रिपीटिंग यूनिट्स के साथ, उसको हम बोल देते हैं जिनसे बनता है सिंथेटिक फाइबर है। अब जो पॉलीमर है ये नेचर के अंदर भी होते हैं, तो जैसे कि हमने बात की कॉटन की बात की, और ये हमने बात की वूल और सिल्क की बात की, इसी तरह से जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज को भी हम बोल सकते हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट होती है, जो सेल्यूलोज होता है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट होती है, तो वो भी एक तरह का पॉलीमर है। तो इस तरह से आप सिंथेटिक फाइबर को समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।